हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ब्रजेश दादरिया हूँ। आई एम अ नी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट। मेरा मेन फील्ड है आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी। आई एम अ कंसल्टेंट हेयर एट आदित्य हॉस्पिटल। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे या कुछ ऐसे जो हमारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि हमारे सारे पेशेंट्स जिनको हम ऑपरेट करते हैं, जो नियमित रूप से या तो क्लिनिक में या फिजियोथेरेपी सेंटर में नहीं जा सकते हैं, तो हम कुछ एक्सरसाइजेस वीडियोस के माध्यम से उनको ये जानकारी पहुंचाएंगे कि घर में ही रह के वो कैसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कैसे वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो उनके लिए ऑपरेशन के बाद ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने ऑपरेशन का और सर्जरी के बाद के रिजल्ट्स को 100% पा सकें। सो ये सारी वीडियोस, एक्सरसाइज वीडियोस या उसके अलावा की जो जानकारी है कि ऑपरेशन के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसको आप आराम से अपने घर पर बहुत अच्छे से देखिए और स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करिए। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी चीज़ें हर पेशेंट के लिए एक जैसी लागू हो। कुछ चीज़ें किसी पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए लागू होती हैं और हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो चीज़ें सही ना हो। तो आप हमसे कंसल्ट करके आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, वो आप हमसे गाइडेंस लेके हमारी वेबसाइट से उन सारी एक्सरसाइजेस को देखिए, सीखिए और करें। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और हम उम्मीद करेंगे कि ये हमारे सर्जिकल आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। सो हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको वो एक्सरसाइजेस बताना चाहता हूँ जो हम एक अपनी एंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट सर्जरी के बाद हमारे पेशेंट्स को शुरू करवाते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। इसमें आपको अपने घुटने को टाइट करना है, पूरा घुटना खड़ा करेंगे, पंजे को ऊपर खींचना है, इतना कोशिश करें कि इतना ऊपर खींच जाए कि एड़ी आपकी ऊपर उठ जाएगी। ये एक्सरसाइज आपको ऑपरेशन के दिन से ही चालू करना है। एक बार टाइट करेंगे, टाइट करके पंजा खींच के रखेंगे, करीबन 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे और इस एक्सरसाइज को आपको एक बार में कम से कम 50 बार और दिन में 5 से 6 बार करना है। सो इसका मतलब है लगभग 250 से 300 बार आप एक दिन में ये एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके ऑपरेशन के दिन से ही चालू होके करीबन 2 महीने तक आपको एक्सरसाइज करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं हील स्लाइड। क्या बैठिए, ये एक्सरसाइज आपको ऑपरेशन से 5वें दिन चालू करना है। इसमें आप क्या करेंगे कि आप अपने घुटने के नीचे दोनों हाथ लगाएंगे, धीरे धीरे करके हाथ से आप घुटने को ऊपर मोड़ेंगे और एड़ी को पूरी ताकत से दबाते हुए करेंगे। तो ये शुरुआत में बस धीरे धीरे करके 30 डिग्री, फिर आप पैर को सीधा करेंगे, अगेन इसको रिपीट करेंगे। ये एक्सरसाइज आप एक बार में 20 बार और ऐसे करके दिन में 4 बार करना है। सो 20 × 4 मतलब दिन में कम से कम 80 बार आपको एक्सरसाइज रिपीट करना है। इसे हम बोलते हैं हील स्लाइड एक्सरसाइज। ये आप ऑपरेशन से 5 से 7 दिन के बाद आपको स्टार्ट करना है। थर्ड एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेजिंग। लेटिए, पैर को आप टाइट करेंगे, घुटना खड़ा करेंगे, पंजा ऊपर खींचेंगे और धीरे धीरे करके आप पैर को उठाते जाएंगे। अगेन आप पैर को 60 डिग्री के आसपास तक लाके रोकेंगे, 4 से 5 सेकंड तक रोकेंगे और फिर इसको आप नीचे करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको शुरुआत में आपका जो ऑपरेशन के बाद आपको एक ब्रेस दिया होगा, लॉन्ग नी ब्रेस, उसको लगाकर ही करनी है। ये व्यायाम आपको करीबन 2 सप्ताह के बाद चालू करना है। तीसरी एक्सरसाइज है साइड लेग रेज। इसमें आपको एक करवट लेना है, आप एक करवट लेंगे, करवट लेके पैर को खड़ा करेंगे और धीरे धीरे करके पूरे पैर को आप उठाते जाएंगे। अगेन ये एक्सरसाइज भी आपको आपको जो ऑपरेशन के बाद लॉन्ग नी ब्रेस दिया गया है उसके साथ आपको करनी है। ऊपर रखेंगे, 4 से 5 सेकंड के लिए रोकेंगे और धीरे धीरे करके पैर को नीचे लेके आएंगे। ये एक्सरसाइज भी आपको एक बार में 20 बार और ऐसे करके दिन में 3 से 4 बार करनी है। ये एक्सरसाइज आप ऑपरेशन के 4 सप्ताह के बाद चालू करेंगे। पलटिए, अगली एक्सरसाइज है प्रोन लेग रेज। इसमें आप पेट के बल लेटेंगे, पैर को पूरा पैर को सीधा उठाएंगे, 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड आप रोकेंगे और धीरे धीरे करके नीचे लेके आएंगे। ये एक्सरसाइज आपको ऑपरेशन से 6 सप्ताह के बाद चालू करनी है।
इसमें आप बेल्ट लगा के करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर बेल्ट लगा के लॉन्ग नी प्रेस लगा के करने में अगर परेशानी होती है तो विदाउट प्रेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज प्रोन नी बेंडिंग, मतलब पेट के बल लेट के आपको पैर को धीरे धीरे करके मोड़ना है। तो क्रमशः आप पैर को मोड़ेंगे, 90 डिग्री तक लेके आएंगे, 4 से 5 सेकंड तक रोकेंगे और धीरे धीरे करके इसको सीधा करेंगे। ये एक्सरसाइज भी आपको एक बार में 20 बार ऐसे करके दिन में 3 से 4 बार करनी है। ये एक्सरसाइज आपको ऑपरेशन से 6 सप्ताह के बाद चालू करना है। इनमें से किसी भी व्यायाम करने में, एक्सरसाइज करने में अगर आपको परेशानी होती है, दर्द बढ़ता है, तो उसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। जो एक्सरसाइज हमने 20 बार करने के लिए बोला है उसको 20 बार के बजाय 10 बार करिए, उसके बाद भी परेशानी होती तो हम उसको रोक सकते हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज है आपको बैठकर पैर को सीधा करने की एक्सरसाइज है। ठीक है, बैठिए, पैर लटकाइए। आप बैठेंगे टेबल पर, पलंग पर, जैसे भी बैठते हैं, और धीरे धीरे करके पैर को आपको सीधा करना है। तो सीधा करके जब पैर पूरा सीधा हो जाए, पूरा पंजा ऊपर खींचे, ये पूरी मांसपेशी टाइट होना चाहिए। जो हमने क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सीखी थी उसी का एक पार्ट है। तो इसको करीबन 4 से 5 सेकंड हम रोक के रखेंगे और धीरे धीरे करके हम पैर को दोबारा वापस लेके आएंगे। नीचे कर लीजिए। ये एक्सरसाइज आपको 6 सप्ताह के बाद चालू करनी है। शुरुआत में 1-2 दिन आप ऐसे ही करेंगे। इसके बाद आपको कुछ ऐसे व्यायाम हैं जो आपको पैर में वेट लगा के करना है। जैसे हम हाथ में डंबल लेके एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही पैर की मांसपेशी को मजबूत करने के लिए वेट कफ लगा के करेंगे। वेट कफ एक बहुत ही अच्छा तरीका है पैर की मांसपेशी को मजबूत करने के लिए। तो इस प्रकार से वेट कफ आते हैं जो आप एंकल में यहाँ पर लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको घर में ही लगा सकते हैं। ये आप वेट कफ लगाएंगे और वो सारी एक्सरसाइज जो अभी हमने बिना वेट के की थी, जैसे कि सिटिंग नी एक्सटेंशन, तो आप पैर को सीधा करिए, उठाइए, यस, इसको रोक के रखेंगे, 4-5 सेकंड तक रोकेंगे, धीरे धीरे करके नीचे करेंगे। ACL सर्जरी के बाद ये एक्सरसाइज को हम 6 सप्ताह के बाद चालू करेंगे। हर एक एक्सरसाइज करीबन 20 बार और ऐसे करके दिन में 3 से 4 बार हमें दोहरानी है। लेट जाइए। जैसे कि बाकी की एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे स्ट्रेट लेग रेजिंग, उसको भी हमें वेट कफ लगा के करनी है। पैर उठाइए ऊपर, इसको, ये स्ट्रेट लेग रेजिंग है रेजिस्टेड वेट कफ के साथ। तो इसको भी हम जैसे 60 डिग्री तक पैर लेके जा रहे थे, 60 डिग्री तक पैर को लेके जाना है, रोकना है 4 से 5 सेकंड के लिए, फिर नीचे आना है। ये एक्सरसाइज भी हमें 6 वीक्स के बाद चालू करनी है। साइड लेग रेज जो पहले हम बिना वेट कफ के कर रहे थे, अगेन उसको भी हमें 6 वीक्स के बाद वेट कफ लगा के करना है। धीरे धीरे करके इसको उठाएंगे, जहाँ तक आराम से जा सकते हैं वहाँ लेके जाएंगे, 4 से 5 सेकंड रोकेंगे, धीरे धीरे करके फिर वापस लेके आएंगे। इसको भी हमें 20-20 टाइम्स करके दिन में 3 से 4 बार करनी है। अगले एक्सरसाइज में आप पेट के बल लेटेंगे, प्रोन लेग रेज, इसको आप पैर को घुटने को सीधा रख के पूरे पैर को ऊपर उठाएंगे, 4 से 5 सेकंड तक के लिए रोकेंगे और फिर क्रमशः धीरे धीरे करके नीचे लेके आएंगे। अगली एक्सरसाइज है प्रोन नी बेंडिंग, आप पैर को धीरे धीरे करके मोड़ेंगे 90 डिग्री के आसपास तक या उससे ज़्यादा जितना हो सकता है वहाँ तक लेके जाएंगे, 4 से 5 सेकंड तक रोकेंगे या ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा रोकिए, फिर क्रमशः धीरे धीरे करके पैर को सीधा करिए। ये सारी एक्सरसाइजेस को हमें वेट के साथ वाली एक्सरसाइजेस को ACL सर्जरी के बाद 6 सप्ताह के बाद चालू करना है। हम इसमें बहुत ही कम वेट से चालू करेंगे, तो चाहे तो आप 200-300 ग्राम या 500 ग्राम से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कम वेट से चालू करिए और क्रमशः 200-500 ग्राम के हिसाब से वेट बढ़ाते जाइए। हमारा एक टारगेट रहता है कि एक सप्ताह में कम से कम 500 ग्राम्स का वेट बढ़ना चाहिए। सो 1 से 2 माह के अंत तक लगभग हम 2 kg वेट के साथ ये सारी एक्सरसाइजेस करते रहेंगे। तो ये सारी एक्सरसाइजेस आपको ACL सर्जरी के बाद, या वो पेशेंट्स जिनको नी पेन है या शुरुआती अर्थराइटिस के स्टेज में है और वो जो इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, इन एक्सरसाइजेस को हमें घर में 2 से 3 बार के रिपीटेशंस में करना है। और अगर किसी भी एक्सरसाइज में आपको परेशानी होती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, उस समय उसको बंद कर दीजिए। हो सकता है आपके करने का तरीका गलत हो या वो एक्सरसाइज आपको नुकसान कर रही है, तो कुछ समय के बाद ये एक्सरसाइजेस में कुछ चेंजेस करना होता है। तो ये शुरुआती एक्सरसाइजेस हैं, इसको करने के बाद हम एक नए सेट ऑफ एक्सरसाइजेस आपको सिखाते हैं।
तो उसके बाद आप हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे और नई एक्सरसाइजेस को चालू करेंगे। थैंक यू।